हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी, वो है हमारी मसाले की खिचड़ी, जिसको हम खिचड़ी पर बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बच्चे भी पसंद करते हैं हमारे इसको। इसको मैंने उसी स्टाइल से बनाया है जिस तरीके से हमें भंडारे में ये खिचड़ी मिलती है, पूजा पर हम ये खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी का जब पर्व आता है तब भी हम इस खिचड़ी को बनाते हैं। ये खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्दी रेसिपी बनाना। मसाले वाली खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी भर करके चावल लिए हैं, और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पर दाल ली है। अब इनको सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे। यहाँ पर हमने धुली हुई मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर छिलके वाली भी दाल ले सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी खिचड़ी में धुली हुई मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो भंडारे वगैरह में या फिर खिचड़ाई पे जो खिचड़ी हमें भंडारे में खिलाई जाती है, उसमें इसी धुली हुई मूंग की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके हमने उसके ऊपर कुकर रख लिया है, उसको हमने गर्म कर लिया है। उसमें हमने एक सर्विंग स्पून भर करके कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून भर करके जीरा डाल देंगे, इसको क्रैकल होने देंगे। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून भर करके हींग डाल देंगे। हींग अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हमने लगभग एक इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से ग्राइंड करके ले लिया है पेस्ट तैयार करके। एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 से 4 टमाटर इस तरीके से मैंने रफली चॉप करके ले लिए हैं, इनको भी इसमें डाल देंगे। एक छोटा गाजर भी हमने इसमें कट करके ले लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। एक आलू कट करके लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और एक कटोरी हरा वाला मटर, इसको भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे। हमें टमाटर को इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ना ही इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ करना है, तभी हमारी जो खिचड़ी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दाल और चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल, चावल और सारी सब्जियों को चलाते हुए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब इस तरीके से फ्राई करके हम खिचड़ी बनाते हैं तो हमारी खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमारे पास टोटल 1.5 कटोरी दाल और चावल था, उसी कटोरी की नाप हम इसमें पानी डालेंगे, तो लगभग हम इसमें 4.5 कटोरी पानी डालेंगे। कटोरी पानी और ये 4 कटोरी पानी, 4.5 कटोरी पानी, 4.5 कटोरी पानी हमने लगभग इसमें डाल दिया है। नमक भी पड़ चुका है, कुकर यहाँ पे हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो हमने कुकर को चेंज करके इसमें डाल लिया है इसको। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसमें लगभग हम 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हो चुकी है। खिचड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो इसमें आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। चलिए सर्व करते हैं इस सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई सुपर टेस्टी खिचड़ी। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से हमने अपनी खिचड़ी को सर्व कर लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिये से। इस तरीके से आप चाहें तो इसको बारीक कट करके भी डाल सकते हैं।
हम इसी तरीके से इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। मेरे चैनल इंडियन फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।